प्रदेश के हाथरस में हुई हैवानियत को लेकर देश तो गुस्से में है ही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी 19 साल की युवती के साथ हुई दरिंदगी पर हैरान है। दरअसल आज यानी मंगलवार को हाथरस मामले पर देश के सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। मामले में चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े ने सुनवाई की, लेकिन केस को लेकर चीफ जस्टिस ने कहा कि ये केस चौंकाने वाला है। वहीं यूपी सरकार की ओर से इस मामले को सीबीआई को सौंपने और अदालत की निगरानी करने की बात कही गई। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि अभी इस मामले को हम तुरंत इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि ये शॉकिंग केस है। कोर्ट ने महिला वकीलों की ओर से पेश वकील से पूछा कि हम ये मानते हैं कि ये चौंकाने वाली घटना है, लेकिन आप लोग इलाहाबाद हाईकोर्ट क्यों नहीं गए। चीफ जस्टिस ने कहा क्यों ना इस केस की सुनवाई पहले हाई कोर्ट में करें, क्योंकि जो बहस यहां हो सकती है वो वहां पर भी हो सकती है। वहीं सरकार की ओर से पेश हुए तुषार मेहता ने कहा कि कुछ लोगों ने परिवार से कहा है कि वो उन्हें 50 लाख का मुआवजा देने की बात कर रहे हैं। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ित पक्ष गवाहों की सुरक्षा के लिए यूपी सरकार से जवाब मांगा, जिसके बदले में सरकार ने कल तक हलफनामा दायर करने की बात कही है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीड़ित परिवार गवाहों की सुरक्षा तय करेगी कि हाथरस केस की जांच सही हो रही है या नहीं। याचिकाकर्ता की ओर से इस केस को यूपी से बाहर ट्रांसफर करने की बात कही गई, जिस पर अदालत ने पूछा कि आप केस की जांच ट्रांसफर करने की बात कर रहे हैं या फिर सुनवाई बाहर करने को कह रहे हैं। याचिकाकर्ता ने सीबीआई जांच पर सवाल खड़े किए और कहा कि पीड़ित परिवार इससे संतुष्ट नहीं है, एसआईटी बनाई जाए और कोर्ट ही उसकी निगरानी करे। वहीं इस मामले में सांप्रदायिक दंगे भड़काने का एंगल भी सामने आया है, जिसमें विदेशी फंडिंग का भी खुलासा हुआ है। इसी वजह से मामले की जांच में अब ईडीआई को भी शामिल किया गया है। वहीं यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अगर कोई राज्य में माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई और ईडी की जांच अब ये तय करेगी केस किस दिशा में जाएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल SPN9 News को भी जरूर सब्सक्राइब करें।